नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल जॉय एस्ट्रो में। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में गणेश चतुर्थी के मुहूर्त, पूजा विधि, पुरानी कथा का वर्णन करेंगे। सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश और भूमि पूजन आदि से पहले गणेश जी की पूजा करने के बाद ही आगे का विधि विधान किया जाता है। शास्त्रों में वैसे तो हर माह चतुर्थी को गणेश जी पूजा का विधान है, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष चतुर्थी को देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है। प्रत्येक चंद्र महीने में दो चतुर्थी तिथि होती है, जो कि भगवान गणेश से संबंधित है। शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में माना जाता है और कृष्ण पक्ष के दौरान पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद के दौरान विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है और गणेश चतुर्थी को हर साल पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गणेश पुराण में बताया गया है कि भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो मनुष्य भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को चंद्र के दर्शन करेगा, उस पर झूठा कलंक यानी मिथ्या आरोप लगेगा। इस श्राप के कारण इस चतुर्थी तिथि को कहीं लाठी चतुर्थी और कहीं कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणेश पूजा मुहूर्त रहेगा 11:06 से 1:42 तक, कुल अवधि 2:36 की। चंद्र दर्शन वर्षित समय रहेगा 9:07 से 9:25 तक। गणेश विसर्जन जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन होगा, मंगलवार 1 सितंबर 2020 को। चार मुहूर्त रहेंगे, सुबह का 9:10 से लेकर 1:56, दोपहर का 3:32 से लेकर 5:07, शाम का 8:07 से 9:32 तक, रात का 10:56 से 3:10 जो कि 2 तारीख सुबह तक रहेगा। अब बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और भगवान गणेश की स्थापना से पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाकर तांबे, सोने, चांदी या मिट्टी के गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। रिद्धि सिद्ध के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी भी रखें। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली डाली जाती है, जिसे चौक पुराण कहा जाता है। इसके साथ एक पान पर ₹1 पूजा की सुपारी और कलश भी रखा जाता है। कलश के मुख पर लाल धागा या मौली बांधी जाती है। यह कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। दूसरे दिन इस पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद खाया जाता है। स्थापना के पश्चात गणेश जी को सिंदूर लगाएं और चांदी का वर्क, मोदक, नारियल आदि सामग्री भगवान को अर्पित करें। अब भगवान गणेश को वस्त्र और सिंदूर अर्पित करें। गणेश जी को 21 दुर्वा दल अर्पित करने के बाद उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी कथा और गणेश चालीसा पढ़ना उत्तम माना गया है। गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती भी करें। व्रती शाम के वक्त भोजन ग्रहण करें और सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप दीप से भगवान की आरती करें और इस प्रकार मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देहि सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति का 3 बार मोदक या मोतीचूर का भोग रोजाना लगाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। सकंद पुराण में आई कथा के अनुसार, एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्थान स्थल पर कोई ना आ सके इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इस दौरान भगवान शिव उधर आते हैं, गणेश जी उन्हें आने से रोकते हैं। इसी बात पर सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी के रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश के सिर घड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती जी को पता चलता है, तो वे विलाप और क्रोध में प्रलय का सृजन करते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के घड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।